आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। बारिश के दौरान सड़कों पर बने गड्ढों की शिकायतों से परेशान बीएमसी गड्ढों को भरने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। बीएमसी पहली बार मुंबई में रिएक्टिव अस्फॉल्ट का इस्तेमाल कर सड़कों पर गड्ढों को भरेगी। खास बात यह है कि गड्ढों को भरने के लिए रिक्वेस्ट अस्फॉल्ट का इस्तेमाल पानी के साथ किया जाएगा। इस तकनीक से गड्ढे भरने के 2 घंटे बाद ही सड़कों को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल एचईस्ट वार्ड के अंतर्गत खार सब्वे में किया गया है। बीएमसी के उपायुक्त उल्लास महाले ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार मुंबई में किया जाएगा। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बीएमसी द्वारा गड्ढे भरने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजा ने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त हर साल गड्ढे भरने के लिए नई तकनीक लाते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं, इसके बावजूद सड़कों पर गड्ढों की भरमार रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त प्रोजेक्ट पी वेलरासू ने बताया कि बारिश में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए पहली बार रिएक्टिव अस्फॉल्ट का उपयोग किया जा रहा है। मुंबई में 3 जगहों पर रिएक्टिव अस्फॉल्ट के मिश्रण का इस्तेमाल कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। 29 जून 2023 को खार सब्वे मार्ग पर गड्ढे भरने के लिए पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। यहां रिएक्टिव अस्फॉल्ट का उपयोग कर सड़क यातायात बहाल कर दिया गया है। शुरुआती जांच में यह प्रयोग काफी सफल रहा, इसलिए बीएमसी सड़क विभाग ने पूरे मुंबई में रिएक्टिव अस्फॉल्ट तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सड़क विभाग ने हर विभाग में गड्ढे भरने के लिए ये मिश्रण उपलब्ध कराया है।